तो चौथा क्वेश्चन है आकृति 6.42 यानी इस वाले में, यदि रेखाएं PQ, ये जो PQ दिख रहा है रेखा, और RS, ये RS दिख रहा है आपको, ये T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी T पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और PRT 40 डिग्री बनाती हैं, तो PRT 40 डिग्री बनाती हैं, RPT ये 95 डिग्री बनाती हैं और TSQ 75 डिग्री बनाते हैं, तो SQT ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, SQT ये वाला निकालना है आपको, SQT ये वाला, ठीक है। तो हमें ये 95 दिया, ये 40 दिया, ये 75 दिया है और हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये त्रिभुज दिख रहा है साहब, इस त्रिभुज में दो कोण पता है तो ये तीसरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिख देंगे त्रिभुज हल में, त्रिभुज PRT में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो RPT जमा PRT जमा PTR, ठीक है, PTR तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैं दिया था कितना, PRT ये 95 दिया था, PRT 40 दिया था, प्लस PTR निकालना है बराबर 180, ये दोनों जोड़ोगे 135 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो PTR बराबर 180 घटा 35, तो ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 45 है तो इसके सामने वाला भी 45 होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो क्या लिख देंगे कि PTR बराबर हो जाएगा इस कोण के STQ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 45 डिग्री के, क्यों, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपको पता चल गया ये 45 है, तो STQ कितना है 45। अब हमें ये निकालना है, तो इसमें इस त्रिभुज में भी दो कोण पता है तो तीसरा निकल जाएगा, तो हम ले लेंगे त्रिभुज TSQ में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, तो एक 75 दिया था, एक अभी 45 निकाला था और एक हमें निकालना था SQT, तीनों का जोड़ 180 ले लेंगे। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसके बाद इनको जोड़ देंगे, ये 120 बन जाएगा, 120 प्लस SQT बराबर 180 डिग्री, तो SQT निकालने के लिए 180 में से 120 घटा देंगे, यानी 60 डिग्री आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आकृति 6.43 यानी इसमें PQ लंब है PS पर, तो जो ये PQ है ये PS ये एक दूसरे पे लंब है, यानी ये 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, और PQ ये जो PQ है ये समानांतर यानी पैरेलल है SR, यानी ये दोनों लाइनें समांतर हैं, तो ये दोनों कहो या पूरी लाइनें, ठीक है। तो SQR 28 डिग्री है और QRT 65 डिग्री है, तो X और Y ज्ञात करो, ये रहा X और ये रहा Y, ये दोनों में ज्ञात करना है। तो हल में लिख देंगे कि PQ और ST समांतर हैं, तो PQ समांतर ST है क्योंकि SR है तो ST भी हुआ, और ये QR एक तिर्यक रेखा है तथा QR एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये कोण ये दोनों ऐसे जेड बना रहे हैं, जेड यानी ये अंतःक अंतर कोण बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देंगे कोण PQR बराबर है QRT, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों क्या बनाते हैं, अंतःएकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो PQR है इसके दो हिस्से हैं, X जमा 28, तो यहाँ लिख देंगे X जमा 28 बराबर ये है 65, तो X निकालने के लिए 65 डिग्री में से 28 को माइनस कर देंगे, तो 65 में से 28 माइनस करते हैं, तो इधर से 80 लेंगे 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, 37, तो आपका X का मान आ जाएगा 37 डिग्री। अब आपको Y निकालना है,
तो ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज के अंदर है वाई और ये 90 है और एक्स अभी अभी 37 आया है। तो अब ये त्रिभुज के तीनों कोनों के जोड़ से वाई निकल जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज पी एस क्यू में तीनों कोनों को जोड़ देंगे, तो 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई तीनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी अभी x आया था, x कितना था 37 और अब y निकालना है बराबर 180। तो y निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे ये दोनों जोड़कर 127। ये जब माइनस करोगे तो 53 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, आकृति 6.44 यानी इसमें त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, तो इस क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया यहाँ तक, ठीक है। और यदि कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यानी ये वाला कोण और पी आर एस, पी आर एस ये वाला कोण के समद्विभाजक यानी इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, तो दोनों को देखोगे तो ये दोनों बढ़ाने पर T पे मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है QTR, तो QTR यानी ये वाला जो कोण है वो आधा है इस कोण का QPR, QPR यानी इस कोण का ये वाला कोण आधा है, हाफ है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको एक बाह्य कोण परिमेय आनी चाहिए, ठीक है, बाह्य कोण परिमेय। तो क्या होती है बाह्य कोण परिमेय, कि एक त्रिभुज होता है तो उसकी एक भुजा बढ़ाओगे तो ये जो बाहर का कोण होता है ये सामने वाले जो सम्मुख कोण है इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है बाहर का कोण। यानी ये मान लो ये एक है तो ये दो और तीन का जोड़ होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में देखोगे ये बाह्य कोण है, ये बढ़ाई गई भुजा है, तो पी आर क्यू, तो लिख देंगे बाह्य कोण परिमेय से, तो बाह्य कोण परिमेय से क्या जाएगा कि पी आर एस यानी जो ये पी आर एस है ये बाहर वाला जोड़ हो जाएगा इस कोण पी का और कोण क्यू का, तो कोण पी और प्लस कोण क्यू का जोड़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको भाग कर देंगे दो से, ठीक है, तो दोनों पक्षों को दो से भाग करने पर यानी आधा करने पर, ठीक है, तो पी आर एस को दो से भाग, इस एंगल पी को दो से भाग, इस क्यू को भी दो से भाग। देखो तो आपने जब पी आर एस, तो पी आर एस को दो से भाग करोगे तो इसका आधा, तो इसका समद्विभाजक कर रहा था ना ये, तो इसका आधा हो जाएगा टी आर एस, तो इसका आधा हो जाएगा टी आर एस बराबर एंगल पी का आधा तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे 1/2 एंगल इस पी को ऐसे ही छोड़ देंगे पी, और प्लस इस क्यू का आधा लिखना है, इसका आधा लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर वाला ये वाला आधा, तो टी क्यू आर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने ये त्रिभुज में बाह्य कोण परिमेय लगाया है ऐसी ये वाला त्रिभुज ले लेंगे टी क्यू आर, तो त्रिभुज टी क्यू आर में इसमें भी क्या लगा देंगे बाह्य कोण परिमेय, ठीक है, बाह्य कोण परिमेय लगा देंगे। तो बाह्य कोण परिमेय में तो टी क्यू आर के बाहर का कोण कौन सा, ये वाला टी आर एस, तो लिख देंगे कोण टी आर एस बराबर, तो जो ये टी आर एस है ये बाहर वाला इन दोनों का जोड़ होगा, इन दोनों इसका और इसका, तो लिख देंगे टी क्यू आर और जमा क्यू टी आर, तो लिख देंगे टी क्यू आर और जमा क्यू टी आर, ये इक्वेशन दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कि समीकरण एक और दो से कि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे समीकरण एक व दो से, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो यानी ये वाला लिख लो पहले, तो टी क्यू आर जमा क्यू टी आर बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के, तो 1/2 कोण पी, तो पी को पी रहने तो चलो, तो क्यू टी
आर, तो क्यू टी आर से क्यू टी आर सेम होने पे कट जाएगा, तो ये दोनों बच जाएगा, तो क्या बच गया, तो कोण क्यू टी आर बराबर एक बट्टा दो कोण पी, और कोण पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू पी आर, तो हम लिख सकते हैं क्यू पी आर, बस हो गया ये प्रूफ।